मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से नई वीडियो लेकर मैं आप सभी के बीच आ गई हूँ। तो आप सभी जानते हैं इन दिनों नवरात्रे चल रहे हैं, हमने भी सोचा कि क्यों ना हम भी प्रसाद बना लें थोड़ा सा और बच्चों को खिला दें। तो आज मम्मा ने सबसे पहले पूछा, तो जैसे कि रोज करते ही डेली का जो शेड्यूल होता है तो वो करते हैं, लेकिन आज हम सब ने सोचा कि क्यों ना हम भी कुछ बना लें कुछ प्रसाद के रूप में और छोटे छोटे बच्चों को खिला दें। तो यहाँ पर गांव के थोड़ा ऊपर हम जाने वाले हैं और छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने वाले हैं। तो किचन में अभी मौजूद हूँ और किचन में मेरे साथ मम्मा है। तो मम्मा क्या क्या बना रहे हैं आज, तो वो आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मम्मा ने पूरियां तलना शुरू कर दिया है, पूरियां बना रहे हैं। और साथ में मम्मा हम क्या बना रहे हैं, और आलू की सब्जी और हलवा। ओके, तो आज हम आलू की सब्जी बना रहे हैं और हलवा बना रहे हैं और पूरी बना रहे हैं। क्या क्या बना लिया अभी तक? अच्छा, पहले पूरियों से शुरुआत कर रहे हैं ना। ओके, तो पूरियों से मम्मा ने शुरुआत की है, हलवा और सब्जी बनना अभी बाकी है। तो आपको आगे आगे वीडियो में दिखाते हैं कि कैसे कैसे मम्मा बना रहे हैं। तो पूरियां बना लेते हैं, मैं मम्मा की थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। सो गाइस, हमने पूरियां बना ली है, हम फ्री हो गए और अब सब्जी बन रही है। आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तरफ मम्मा यहाँ पे आलू की सब्जी बना रहे हो और दूसरी तरफ मम्मा ने तेल चढ़ा दिया है हलवा के लिए। तो हलवा वहाँ पे बनाएंगे और सब्जी यहाँ पे, ताकि फटाफट से हम बना लें इसको जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास टाइम भी अब कम है। तो गाइस, आप देख सकते हो मम्मा आटे का हलवा बना रहे हैं और तेल गर्म हो गया, तो मम्मा ने अब आटा डालना शुरू कर दिया और एक तरफ मम्मा हलवा की तैयारी यहाँ पे कर रही है, शुरुआत कर दी है। दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे अनियन, आप यहाँ देख सकते हो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटोज, मम्मा ने टमाटो डाल दिया और अब यहाँ पे जो आलू का मसाला है, रेड चिली और हल्दी और सब, ये क्या है? अच्छा, ये मेथी है, 30 के रुपये में, ये 100 रुपये अपना। ये है गरम मसाला, चलो थोड़ा सा पानी डालें। थोड़ा सा पानी, अब हम इसको थोड़ा सा होने देंगे। फ्रेंड्स, वो कढ़ाई ना थोड़ी सी छोटी पड़ गई थी, इसलिए अब हमने दूसरी कढ़ाई यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। हमारा तड़का भी बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हो। और अब यहाँ पे मम्मा आलू डालेंगे। सो गाइस, मम्मा ने इसमें गड़ी डाल दी है और अब क्या डालेंगे? अब इसमें गुड़ वाला पानी डाल रहे हैं, गुड़ वाला हलवा बना रहे हैं, गुड़ वाला पानी। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है हलवा, जो गुड़ वाला होता है ना, यम्मी लगता है, यम्मी। ये देखिए, जब आप इसको घुमाते रहोगे ना एक साथ, ये आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता चलेगा जब आप घुमाते रहोगे, इकट्ठा सा होने लगेगा। यहाँ देखिए, जो हलवा को इकट्ठा होना शुरू हो गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका हलवा जो है वो अच्छे से बन रहा है
और बस थोड़ी सी कसर बाकी है, आप उसी तरह से घुमाता हूँ। हमारा खाना रेडी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अपने आलू तरी वाले बनाए, और यहाँ पे बनाया मम्मा ने हलवा यम्मी, और ये है पूरी। अब पैक करेंगे फटाफट से हम, क्योंकि एक बजने वाले जल्दी, तो हमें पहुँचना भी है। अभी मम्मा पैक कर रहे हैं, अब हम पैक कर रहे हैं आलू की सब्जी। सो गाइस, हमने खाना पैक कर दिया है और अब हम जा रहे हैं। हम आपको ये नहीं बता रहे कि हम कहाँ जा रहे हैं, जब हम पहुंच जाएंगे ना आपको खुद पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। गाइस, हम लोग ना थक गए हैं, कब से लेकर तुम घर पे भी खड़े थे ना खाना बना रहे थे, तो हम लोग बैठे ही नहीं, और जैसे ही खाना पैक किया वैसे ही चल पड़े। वो भी मम्मा ने बोला यार थोड़ी छाँव में बैठ जाते हैं, थोड़ा करेक्ट करते हैं, दो तीन मिनट बैठ रहे हैं। चूसनी भी है भैया, कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी? कितने साल से हो यहाँ पे? अच्छा, महीना हो गया आपको यहाँ? अच्छा, बोलो फिर। गाइस, हमने चीजी लिया। आपने क्या लिया भाभी? चने। मम्मा ने क्या लिया? काला चना और पॉपकॉर्न। अच्छा, और मैंने लिया है मटर। अभी घंटी वाला आया था और घंटी बजा के चला गया। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम जा रहे हैं घर। आप खाना चाहते हैं तो आ जाइए चशगीरू खाने, पहाड़ी में बोलते चशगीरू, यानी कि जो खुमानी होती है ना, तो अभी वो जैसे अभी छोटी सी है, मतलब उसका साइज काफ़ी छोटा है ना, तो अभी वो बड़ी होगी फिर वो येलो येलो सी हो जाती है, तो अभी शुरुआत है, तो इसको ना हम चशगीरू बोलते हैं, खट्टे खट्टे होते हैं खाने में। हाय गौरी, देखिए इसका नाम है गौरी। गौरी गौरी बेबी पांडा। हेलो बेबी पांडा, वी आर बैक बेबो। आपने हमको मिस किया, दीदा को मिस की, भूख लगी लगी भूख भूख लगी काका। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी इवनिंग का टाइम है और चाय मैंने पी ली है, लेकिन आज मैगी खाने का मेरा मन कर रहा था, काफ़ी दिनों से मैगी नहीं खाई थी, तो सोचा मैगी बना लूँ। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आप में से कोई ऐसा व्यूअर है जिसने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइस किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इसी तरह की वीडियोज़ और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर मैं आप सभी के लिए आती रहूँ। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय।